वो लाला लाला डाल देंगे। हाँ तोड़ के आए अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने। ये जितना रोमांचक दिख रहा है ना अभी, हो सकता है कुछ क्षण बाद कुछ पल बाद बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी हो सकता है ना। कि वो दिख रहा है वो सूरज दादा। सूरज दादा अभी सुबह के ऑलरेडी बज चुके हैं 6 और आज एक दिन का समय था जैसलमेर के लिए। लोग राजस्थान आए हुए थे और मैंने सोचा क्यों ना एक दिन का समय है तो कुछ अलग किया जाए, तो चलो आगे। देखो मतलब ऐसे कभी भी अपन निकलते हैं ना तो ऐसे अनप्लान्ड चीजों पे जब अपन निकलते हैं तो मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलती हैं तो उसका मजा अलग आता है। तो तुम मेरी तरफ ऐसे देख, ऐसी जगहों का, ऐसी चीजों का, ऐसी मजा ही कुछ और है मेरे साथ, वो तो बात है। तो देखिए आज का जो मतलब कंप्लीट चैलेंज तो नहीं कहेंगे इसको, बट जो भी होने वाला है बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये जून की गर्मी है और राजस्थान में जून की गर्मी मतलब मौत। मौत, 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 रुको ना रुको ना, इतनी तेज हवा चल रही है कि ट्राइपॉड पूरा ऐसा हिल रहा है। तो कोई बात नहीं, वीडियो बनाने के लिए जोखिम लेनी पड़ेगी। धन्यवाद भाई साहब। तो आज अपन सर्वाइव करेंगे, ट्राई करेंगे सर्वाइव करने का डेजर्ट में, इंडिया के सबसे बड़े डेजर्ट में, हार्ड डेजर्ट। देखिए अभी से ही गर्मी लगना चालू हो गई है और स्वागत है आप सभी का थार डेजर्ट में। और इनकी आंखों में मिट्टी गई। बट रेत ऐसे उड़ रही है ना, हल्की हल्की सी गर्म होना चालू हो गई अभी रेत। देखते हैं ये चैलेंज पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कब तक रुक पाते हैं इस। हाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 24 घंटा रुकेंगे ऐसा कुछ, बट हम लोग कब तक रुक पाते हैं वो ट्राई करेंगे, देखते हैं। बाप रे, सैंडमैन जैसी फीलिंग आ गई मेरे को, स्पाइडरमैन सैंडमैन के साथ ऐसे निकलता है बाहर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठे क्या? बैठना है, बैठो। यहाँ थोड़ी बैठूंगी, वहाँ चलो। कहाँ? चलो आगे चलो, मैं आया। तो देखिए अभी से ही ना थोड़ी धूप जो है वो लगना स्टार्ट हो गई है। इस पे कैसे जाऊँ? बाप रे, चढ़ ही नहीं पा रहा है मैं इस पे, तो पूरी रेत देखो किस तरीके से। ओश वो बंदा भी वहां स्ट्रगल कर रही। हम लोगों को पता नहीं क्या सूझी है, पा रही है मिट्टी। गॉडनेस, बाप रे, रेत इतनी तेज उड़ रही है कि आंखें नहीं खुल रही हमारी। अरे कौन ही घूमना, कौन ही घूमना, आंख तो खुल नहीं रही है, करना क्या है अब। मिट्टी उड़ रही और कर भी क्या सकते रेत में बताओ। हम लोग पहले भी यहाँ पर आए, कौन से मंथ में आए थे अपन? अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल में यहाँ पर आए थे। अर्ली मॉर्निंग मस्त ब्रेकफास्ट किया था यहाँ पे। और वीडियो नहीं देखा तो इधर उधर कहीं होगा, देख लो। लिंक आ जाएगा, देख लो। और उस टाइम पे इतनी रेत नहीं उड़ रही थी। नहीं, गर्मियों में हवा ज्यादा चलती है क्या डेजर्ट? क्या पता। हाँ क्योंकि आंधियां भी ज्यादा आती है, क्योंकि हमारे प्रिय ससुर जी बता रहे थे डेजर्ट में हवा चलना भी जरूरी है, यदि हवा नहीं चलेगी तो गर्मी दबती नहीं है, हवा से गर्मी दब जाती है। पर ये हवा के साथ साथ जो भी रेत उड़ रही है वो हमारी आंखों में जा रही है। नाउ इवन आई एम आल्सो नॉट एबल टू ओपन माय आईज। लो इस बार तो कुछ लाए भी नहीं अपन खाने के लिए। खाने के लिए नहीं लाए। मैं नीचे बैठ के वीडियो ले रहा था, मुंह में पूरी रेत चली।
कंकर कंकर हो गए पूरे मुंह में। डेजर्ट के बीच में एक कैमल दिख रहा है। वन मोर थिंग, राजस्थान में जो टेम्परेचर हो रहा है 50 डिग्री क्रॉस हो चुका है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इधर की साइड, मारवाड़ साइड 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है। और इससे 50 डिग्री भीषण गर्मी में हमें जाने की सूझी है। तो देखिए, ये रहा अपना रेगिस्तान का जहाज, और ये इनकी पोटी। देखिए, आप अभी वीडियो के कोई से भी पार्ट में हो, आप ये कमेंट करके जरूर बताइए कि हम लोग यहाँ कितनी देर सरवाइव कर पाएंगे। तो फिलहाल तो तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि हम थोड़ी ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे? वो बैठी वहां पर मस्त, उन्होंने मुंह पे मास्क वगैरह बांध लिया। बंदा तुम पूरी रेत में भर गई हो, रेत रेत हो गई है तुम्हारे पूरे कपड़ों पे। तुमने तो पूरा पैक कर रखा अपने आप को। ये पानी पी के इतना सुकून लग रहा है, बता नहीं सकता। वो घर जाके वापस नहाना पड़ेगा, रेत में उड़ाऊंगा तो वरना के ऊपर ही जाएगी, तो इसलिए अपन वो वाला शॉट भी नहीं ले सकते कि रेत को ऐसा कर दिया। तुम्हारी तरफ ही आ रही है सारी रेत, तुम्हारे खुद के ऊपर रेत डाल रही हो बंदा। A few minutes later. चलो बैठते हैं वापस थोड़ी देर। बंदा? हाँ? ओए, क्या हुआ? ठीक हो तुम? नहीं। तुम्हें ठीक तो लग रहा है? नहीं। तुम्हें कुछ नहीं, मस्ती सूझ रही है और क्या? नहीं तो। हाँ। कान में गई यार। अरे मुंह में मिट्टी है, मिट्टी। अब तो मेरा दुपट्टा भी हेल्प नहीं कर रहा। अब कैसे उठ गई तुम फटाफट? है तुम मेरे ना जान, मेरी ऊपर नीचे मत किया करो। अच्छा, ओके, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हंस रही हो, तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, ये मिट्टी चबाने की आवाज है। हाँ, मुझे यहाँ तक आ रही है। बचपन में मिट्टी बहुत खाई होगी तुमने तो फिर। हाँ, बहुत ज्यादा। देखो, रेगिस्तान के लोगों के बात ही अलग, जलवे अलग है। तुम्हारे धोरों की धरती में से मेरे मुंह में आ रही है, पूरी उछाल रही हो बंदा। तुम पागल हो क्या? आराम से बैठ के तुम्हें माइक्रोफोन हाथ में लेके रेत उड़ा रही हो। ठाट मत करो बंदा, मत करो। मैं क्यों नहीं, तुम्हें रेत में भर जाऊंगा। तुम्हें आना था ना रेत में। तुम तो ऐसा कर रही हो कि दोबारा आए नहीं आ रही। तुम्हें आना था रेत में। तुम्हें क्या, तुम्हारा काम में गई यार। क्या तुम्हारे बचपन के दिन याद कर रही है? Yes. तुम्हारे पीछे आ जाता। डालो मेरे ऊपर, डाल के बताओ, डालो। हाँ, अब आया ना मजा, तुम्हारे खुद के ऊपर ही आ रही है। देखो कितनी ठंडी अंदर। हाँ, ऊपर की लेयर गर्म है और अंदर ठंडा है। वाह यार, ये बहुत ज्यादा हो रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम है, आंधी तूफान की संभावना है बहुत तेज। राजस्थान सरकार द्वारा रात को मैसेज आया था, मारवाड़ साइड के जितने भी जगह हैं वहाँ पे हाई अलर्ट है, 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस हो चुका है, तो बाहर ना निकले। अब बहुत हो गया यार तुम्हारा, चलो ना। हाँ तो चलते हैं ना, रुको ना थोड़ी देर। आराम से नहीं हूँ मैं, मेरी आँखों में फिर भी बहुत सारी मिट्टी है। मेरी खुद की आँखें नहीं खुल रही अब तो। मुंह के अंदर। सीरियसली, बहुत बहुत आंधी जैसी हवा चल रही है। यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे यार? कैन यू हियर दिस? पूरे मुंह में रेत भर चुकी है। तुम तो चबा ही रही होती देर से। तुम पूरा ये पूरा ASMR दे रही है। आंख नहीं खुल रही यार। और इतनी तेज आंधी आई कि मतलब पूरा हम लोग रेत में भर गए, और अब यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फटाफट निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि और ज्यादा रुका नहीं। मेरी हालत देख रहे हो? तुम उठोगी नहीं तो क्या होगा यार बंदा? बैठी हो ऐसा आंधी तूफान आ रहा, फिर भी बैठी हो, हिलोगी तो ना। थोड़ी देर बाद मुझे पता चलेगा कि तुम गायब हो गए। सिर्फ एक उंगली या हाथ दिख रहा तुम्हारा बाहर ऐसे निकालने के लिए। ये पकड़ लो, हाथ तो दो, थैला पकड़ लो, हाथ दो। तो देखिए, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो गया और आंखें हमारी खुल नहीं रही है। और अब अगली बार कभी ट्राई करेंगे जब आएंगे, कि जब थोड़ा सर्दी का माहौल या थोड़ा माहौल ठंडा रहेगा,
तो ट्राई करेंगे ये 24 घंटे डेजर्ट में बिताए। यदि आप लोग चाहते हैं वो वीडियो बनाए तो कमेंट जरूर कर देना। बाय खत्री अंकल फैमिली, शुक्रान फॉर वाचिंग। इसकी जरूरत नहीं आज। हाँ आंखें तो वैसे ही बंद है, खुली नहीं रही। रुको मेन रोड ना आ जाए।